सेम शिवराज सिंह चौहान शिवहार वो भी एक्शन मोड में दिखे। सीधी जिले के तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। यहाँ से ही डीओ नैकिन के प्रभारी तहसीलदार और कटनी मनरेगा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। यहाँ सीएम ने जिले में गो अभ्यारण्य बनाने की बात भी कही। सीधी में सभा को संबोधित करते समय सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे मनरेगा परियोजना अधिकारी प्रदीप शुक्ला की कई शिकायतें मिली हैं। वे अभी कटनी में पदस्थ हैं। सीधी में पदस्थ रहने दौरान उन्होंने कई गड़बड़ियां की हैं। वे कटनी में हैं, वहां भी गड़बड़ी कर रहे हैं। मैं उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूं। सीएम ने कहा कि मेरे पास बहुत शिकायतें हैं। मनरेगा अधिकारी प्रदीप शुक्ला वो अब यहाँ नहीं है, अब यहाँ से चले गए हैं। जब कटनी गए तो यहाँ पैसा खाते थे, अब वहाँ भी पैसा खाएंगे, इसलिए मैं यहाँ के पूर्व मनरेगा अधिकारी को मैं तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर रहा हूँ। कटनी में ही सस्पेंड, यह नहीं चलेगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी वीडियो वायरल हो रहे हैं, मैं उनको भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूँ। मेरे पास एक और शिकायत आई है, मैं इसका परीक्षण करूंगा। मेरे रामपुर नैकिन के प्रभारी तहसीलदार आचल अग्रहरी की बहुत शिकायतें हैं, उन्हें एक जगह से हटाकर दूसरी जगह भेजा, उनकी वहां से भी बहुत शिकायतें आ रही हैं, मैं उनको भी सस्पेंड करता हूं।